हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आज हम बात करने वाले हैं दो वॉचेस की, एक तरफ है बोल्ट फायर बीस्ट जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और एक तरफ है अमेज़फिट GTS मिनी 2। तो देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है। यहाँ पे बोल्ट बीस्ट में आपको 1.7 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पे अमेज़फिट GTS मिनी 2 में आपको 1.45 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आज हम बात करने वाले हैं दो वॉचेस की, एक तरफ है बोल्ट फायर बीस्ट और एक तरफ है अमेज़फिट GTS मिनी 2। देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है। ऑल्दो ये प्राइस सेगमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे 2000 रुपये महंगी आती है आपकी अमेज़फिट GTS 2 मिनी। तो यहाँ पे क्या वो 2000 रुपये वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे और फीचर जो एडेड है वो यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं कि नहीं, वो सारी की सारी बातें होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले से। बोल्ट बीस्ट में आपको 1.69 इंचेस की कलर HD डिस्प्ले मिलती है 240x280 पिक्सल्स की। ऑन द अदर हैंड अमेज़फिट में टोटली डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ पे आपको 1.55 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है 320x320 पिक्सल्स की। ऑल्दो यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो डिफरेंट है और साथ में यहाँ पे जो डिस्प्ले का पैनल है वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे एक तरफ आपको बोल्ट बीस्ट में एक LCD डिस्प्ले मिलती है और अमेज़फिट में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही बड़ा है। आगे बात करें यहाँ पे रेस टू वेक आपको दोनों में ही मिल जाता है, बट यहाँ पे अमेज़फिट GTS 2 मिनी में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है जो कि बोल्ट बीच में मिसिंग है, क्योंकि मैंने पहले रिव्यूज़ के रिगार्डिंग आपको बताया था, रिव्यूज़ को पढ़ के बताया था, जो लोग बताए थे कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जब मेरे को रिसीव हुई तो मेरे को कहीं भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला बोल्ट बीच में कि ऑलवेज ऑन का कोई फीचर हो इसमें। आगे बात करें यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास दोनों में ही यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे प्रोटेक्शन का एक्जैक्टली बताया नहीं है, अमेज़फिट में तो एक्जैक्टली प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करना पड़ेगा वॉचेस पे। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो पर पिक्सल डेंसिटी है वो दोनों की सिमिलर है, बट यहाँ पे अमेज़फिट GTS 2 मिनी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे अच्छा टेक्स्ट की शार्पनेस आपको मिलती है, टेक्स्ट के जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे जो फॉन्ट्स यूज़ करे गए हैं वो ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू बोल्ट बीस्ट। आगे बात करें जो पीक ब्राइटनेस है वो बोल्ट बीस्ट की ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो विजिबिलिटी है सनलाइट की वो ज़्यादा आपको नजर आएगी अमेज़फिट में, क्योंकि यहाँ पे AMOLED पैनल का यूज़ किया गया है एज़ कम्पेयर टू LCD। तो यहाँ पे पीक ब्राइटनेस में कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं, बट 19-20 का फर्क हो सकता है अगर आप डायरेक्टली सनलाइट में लेके जाओगे, क्या पता अमेज़फिट ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट आपको दिखे क्योंकि AMOLED पैनल की वजह से। आगे बात करते हैं यहाँ पे वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में अच्छा खासा एप्लीकेशन सपोर्ट मिलता है और क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस आप लगा सकते हो, यहाँ पे आप अपने गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस भी लगा सकते हो, ये फीचर आपको दोनों में ही मिल जाता है। बात करें यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिलती हैं, बट यहाँ पे अमेज़फिट बहुत ही आगे निकल जाता है, 70+ स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं आपको जो कि बोल्ट बीस्ट में कहीं ना कहीं बहुत कम है। उसी के साथ साथ यहाँ पे IP67 की रेटिंग मिलती है बोल्ट बीस्ट में। ऑल्दो यहाँ पे वाटर प्रूफ बन जाती है, बट यहाँ पे रनिंग वाटर में मतलब प्रेशराइज वाटर में आप लेके नहीं जा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे स्विमिंग तो कर सकते हो बट आप डीप यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते हो ले जाके बोल्ट बीस्ट को। अमेज़फिट GTS 2 मिनी में आपको IP68 की वाटर प्रूफ रेटिंग मिलती है, 5 मीटर तक ये वाटर प्रूफ है, आप आराम से स्विमिंग के लिए लेके जा सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली ये स्विम प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग आपको मिलती है बोल्ट बीस्ट में, अमेज़फिट में आपको ज़्यादा एक्यूरेट स्टेप्स काउंटिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बायोट्रैकर 2PPG का सपोर्ट मिलता है, साथ में यहाँ पे हेल्थ असेसमेंट सिस्टम का भी यूज़ किया गया है जो कि इसकी एक्यूरेसी को बहुत अच्छा बना देता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अमेज़फिट में आपको GPS भी मिलता है, वो एडिड फीचर है यहाँ पे एक्यूरेट पोजिशनिंग की वजह से, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप और भी चीज़ें इसके साथ कर सकते हो वॉच के साथ, सारी की सारी आपको जो इंपॉर्टेंट सेंसर है वो अवेलेबल हैं दोनों ही वॉचेस में, चाहे वो एक्सेलेरोमीटर हो, जायस्कोप सेंसर हो और या तो हार्टवेयर सेंसर हो, बट यहाँ पे अमेज़फिट में आपको GPS और PAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम एक्स्ट्रा मिलता है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, स्मार्ट नोटिफिकेशन दोनों में मिल जाते हैं बट आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो, उसी के साथ साथ यहाँ पे फुल टच डिस्प्ले मिलता है, स्मूथ UI आपको मिलेगा दोनों ही वॉचेस में, यहाँ पे कोई स्टटर लैग देखने को नहीं मिलता है, अलार्म क्लॉक स्टॉप वॉच काउंटडाउन टाइमर वेदर नोटिफिकेशन आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिलता है, तो 10 मीटर तक की रेंज आपकी कंफर्म हो जाती है, कोई इशू नहीं होने वाला आपको। फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलता है बोल्ट बीस्ट में आपको, और म्यूजिक कंट्रोल कैमरा शटर बटन आपको मिल जाता है, फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं मिलता है, अमेज़फिट में आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आगे, एंड्रॉइड या iOS से दोनों ही वॉचेस पेयर हो जाती हैं, और डेफिनेटली आपको अगर आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो तो आपको दाफिट एप्लीकेशन यूज़ करनी है बोल्ट बीस्ट के लिए, और अमेज़फिट के लिए आपको अमेज़फिट वाली एप्लीकेशन यूज़ कर लेनी है, तो आराम से पेयर हो जाएंगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो दोनों ही वॉचेस अच्छा परफॉर्म करती हैं, यहाँ पे बोल्ट बीस्ट में 64MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, ऑन द अदर हैंड अमेज़फिट में आपको 128MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, और रैम की बात करें तो दोनों में ही सिमिलर आपको मिलता है, और UI बोल्ट बीस्ट का थोड़ा सा iOS लाइक का है, इसमें हनीकॉम्ब मेन्यू का यूज़ किया गया है जो कि टोटली iWatch से इंस्पायर्ड है, उसी के साथ साथ इसमें रोटेटेबल बटन मिलती है जो कि अमेज़फिट में नहीं है ऐसा फीचर, अमेज़फिट में आपको RTOS UI मिलता है अमेज़फिट का खुद का बनाया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू बोल्ट बीस्ट। उसी के साथ साथ यहाँ पे
दोनों ही वॉचेस में सिंगल बटन मिलता है, बट यहाँ पे बोल्ट बीच में जो बटन है वो फ्लश्ड है, और यहाँ पे अमेज़फिट में जो अमेज़फिट GTS 2 मिनी में बटन वो फ्लश नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गेस्चर्स का आप यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे गेस्चर से आप फंक्शन एंड फीचर को एक्सप्लोर कर सकते हो। बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में, तो दोनों ही वॉचेस आपकी 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं। 20 से 15 दिन का स्टैंड बाय टाइम आपको मिल जाता है। 220 mAh बैटरी का यूज़ किया गया बोल्ट बीस्ट में, और अमेज़फिट में आपको 260 mAh बैटरी का यूज़ किया गया लिथियम आयन पॉलीमर। उसी के साथ साथ 8 डेज का रन टाइम क्लेम करती है बोल्ट बीस्ट, और अमेज़फिट आपकी 14 डेज का रन टाइम क्लेम करती है विदाउट GPS, और 5 डेज का विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक पिन आपको मिल जाता है बोल्ट बीस्ट में, अमेज़फिट में आपको पोगो पिन चार्जिंग मिलता है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में, तो 6 डेज का विदाउट नोटिफिकेशन आपको रन टाइम दे देगी बोल्ट बीस्ट, मतलब ब्लूटूथ आपने कट डाउन कर दिया, सिर्फ आप अपने वॉच को टाइम देखने के लिए और साथ में स्टेप्स काउंटिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो बोल्ट बीस्ट आपको 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। ऑन द अदर हैंड अमेज़फिट आपकी करीब करीब 8 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके, और अगर सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो 5 से 6 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट अगर आप GPS से लगातार यूज़ कर रहे हो वॉच को, तो 2 दिन या 2.5 दिन ही चलने वाली है आपकी अमेज़फिट GTS 2 मिनी। आगे बात करते हैं मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे मेन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हार्ट रेट स्कैनिंग आपको दोनों में ही मिल जाता है। यहाँ पे SpO2 लेवल्स को, ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स को आप मेंटेन मेजर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में। यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी है तो वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बोल्ट बीस्ट आपकी जो सर्फेस टेस्ट को फेल कर गई थी, अमेज़फिट का मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट यहाँ पे एग्जैक्टली ये सर्फेस टेस्ट को पास कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बायोट्रैकर 2 PPG यूज़ किया गया, साथ में हेल्थ असेसमेंट सिस्टम का यूज़ किया गया। बात करें BP मॉनिटर आपको मिल जाता है बोल्ट बीस्ट में, जो अमेज़फिट में मिसिंग है। स्लीप मॉनिटरिंग का आपको ऑप्शन मिलता है दोनों में ही। कैलोरी बर्न, स्टेप्स काउंटिंग आपको दोनों में ही मिल जाता है। उसी के साथ साथ सेडेंटरी रिमाइंडर आपको बोल्ट बीस्ट में मिलता है, और अमेज़फिट में आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग मिल जाता है। साथ में यहाँ पे बोल्ट बीस्ट में ब्रीद रिलैक्स का मोड मिलता है, अमेज़फिट में आपको बायो ट्रैकर 2 PPG जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिट एंड मिस है, एक में फीचर ज़्यादा है एक में कम है, बट यहाँ पे अमेज़फिट टोटली वैल्यू फॉर मनी मेरे को अभी तक नजर आ रही है, जितना ही मैंने यहाँ पे ओवरऑल इसके फीचर्स और फंक्शंस को एक्सप्लोर किया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड मटेरियल के बारे में, और स्ट्रैप की क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे वेट बहुत कम है अमेज़फिट का एज़ कम्पेयर टू बोल्ट बीस्ट। उसी के साथ साथ यहाँ पे 20 mm स्ट्रैप साइज़ यूज़ किया गया, तो आप आफ्टर मार्केट का भी लगा सकते हो। सिलिकन स्ट्रैप यूज़ किया गया है यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में। बात करें जो डायल है वो आपका जिंक एलॉय का बना हुआ है बोल्ट बीस्ट में, और एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ है अमेज़फिट GTS 2 मिनी में, और बेस दोनों का ही पॉलीकार्बोनेट का आपको मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो सिमिलर ही है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। नो डाउट यहाँ पे रगेड फील होता है जब आप इसको अपने हैंड में लोगे दोनों ही वॉचेस को। और अगर दोनों में से आपको कोई भी वॉच बाय करनी है तो अमेज़न फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, बट यहाँ पे एज ऑफ नाउ बोल्ट बीस्ट आपकी सिर्फ अमेज़न पे ही अवेलेबल है, और अमेज़फिट आपकी दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस है अमेज़फिट GTS 2 मिनी का 7,000 rupees है, बट कभी कहीं ना कहीं ये ऑफर पे आपको मिल जाती है 5,999 में, मतलब 6,000 रुपये मिल जाती है, और इवन मैंने 5,700 rupees में अपने फ्रेंड को भी दिलाई हुई है। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लो प्राइस लिंक मिल जाएगी। एंड एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी डील्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो YouTube के, और साथ में टेलीग्राम के चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, टेकपोक आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको इंस्टेंटली बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। तो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।